हाय एवरीवन, आप लोग का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं मुंबई घूमने, जो कि सपनों का शहर, हर कोई यहाँ पे जाना चाहता है, घूमना चाहता है। तो फाइनली आज वो दिन आ गया और हमारे साथ आमिर भाई भी हैं, उन्होंने टिकट हमारा भी ट्रेन का निकाल लिया अपने साथ में। तो फिर चलते हैं, हम आपको बहराइच बस स्टैंड पर मिलते हैं। अभी हम बहराइच बस स्टैंड में हैं और बस में बैठ चुके हैं, लगभग आधे घंटे से बैठे हैं और हमारे साथ आमिर भाई भी हैं, साथ में जा रहे हैं। ये है बहराइच बस स्टैंड। यहाँ पर लखनऊ के लिए कोई भी बस नहीं है क्योंकि इस वक्त चल रहा है इलेक्शन का टाइम, सारी बसें रैली में हैं। किसी तरह एक बस मिला है। काफ़ी देर बैठने के बाद बस में अब लखनऊ की तरफ निकल पड़ी है। काफ़ी टाइम चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं चारबाग रेलवे स्टेशन और ये कुछ हमारे पीछे का कुछ ऐसा नज़ारा है। बज रहे हैं सुबह के 10 और हमारी ट्रेन रात को निकली थी 9:30 बजे और हम रात में काफ़ी थके थे तो सो गए, वीडियो नहीं बना पाए। तो दिन का कुछ ऐसा नज़ारा है। अभी आपको अंदर का सीन दिखाते हैं। ये है अंदर का सीन, जो कि ये है चालू डिब्बा, जिसे जनरल बोगी भी बोलते हैं। और ये हमारे आमिर भाई गलती से बुक कर लिए थे, उनको मालूम नहीं था कि ये जनरल डिब्बा था और ये टिकट वाला इन्हें चालू टिकट दे दिया कन्फर्म सीट, और इनको मालूम भी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ अंदर का सीन है। यह चाय बेच रहे हैं ट्रेन में और इतनी भीड़ क्या बताएं। उनको तो सब लोग जानते होंगे, ये हर ट्रेन में मिलते रहते हैं और ये कई बार आते हैं, इनके कई साथी भी होते हैं। ये लगभग 5वीं बार आ चुके हैं और हर बार पैसे लेते हैं, ना देने पर गाली भी देते हैं और छिड़खानी भी करते हैं। देखिए किस तरह मांग रहे हैं। और इतने भीड़ में इस चाय वाला भी आ गया बीच में। फाइनली 24 घंटा चलने के बाद हम कल्याणी स्टेशन पहुंच चुके थे। फिर उसके बाद में हमारा दोस्त आया मुझे लेने, हम उसके साथ चले आए। हम इस वक्त उसके रूम पे हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।